Hello everyone, you are all welcome beta in Defense Officers Academy's YouTube channel. आज एक छोटा सा session आप लोगों के साथ ला रहा हूँ मैं vocabulary का, ठीक है? तो vocabulary बहुत ही ज़रूरी है, personality development के लिए भी, writing में भी आता है आपके exam में, antonyms, synonyms directly vocabulary से आपसे पूछे जाते हैं. तो अगर आपको किसी word का meaning पता हो तभी आप उसकी तभी आप उसके antonyms और synonyms भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वोकैबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए. तो वोकैबलरी में हम लोग क्या करेंगे, एक आरपीएस टेक्निक है बेटा, एक स्टैंडर्ड टेक्निक है. आरपीएस टेक्निक के थ्रू हम लोग डेली 5 to 6 वर्ड्स देखेंगे, ठीक है? तो मैं नए नए वीडियोज़ लाऊँगा, कम से कम 5 वर्ड्स मैं आपको सिखाऊँगा इस टेक्निक से. आरपीएस टेक्निक का मतलब क्या होता है बेटा, R stands for root word, ठीक है? इसमें एक root word होगा जिसका meaning हमें पता होना चाहिए. उसको हम उस word को हम as a prefix भी use कर सकते हैं. Prefix का मतलब क्या है, किसी word से पहले भी लगा सकते हैं और उसको हम as a suffix भी use कर सकते हैं. Suffix, एक छोटा सा example मैं आपको देता हूँ, फिर हम लोग words पे आते हैं, ठीक है बेटा? जैसे for example OUS, ये एक root word है जिसका मतलब होता है full of, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फेमस, अब इसको मैं एज अ सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ. देखो ओ यू एस मैंने लास्ट में लगाया ना एज अ सफिक्स, तो फेमस का मतलब क्या होगा, फेमस कौन होगा, जिसके पास बहुत फेम होगा, फुल ऑफ फेम. अगर मैं बोलूँ वेनमस, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ वेनमस, फुल ऑफ वेनम, फुल ऑफ वेनम. अगर मैं बोलूँ एनवीएस, तो एनवीएस का मतलब क्या होगा, एनवीएस का मतलब होगा फुल ऑफ एनवी, ठीक है, फुल ऑफ एनवी. तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो मेरा रूट वर्ड था ओ यू एस, उसका जो मीनिंग था वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करेगा जो मैंने नए वर्ड्स बनाए उनके मीनिंग पे, ठीक है? तो फेमस में कहीं ना कहीं फुल ऑफ आया ना, वेनमस में कहीं ना कहीं फुल ऑफ आया. तो वैसे ही हमने इस रूट वर्ड की मदद से हम नए नए वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, या उनको लंबे टाइम तक मेमोराइज कर सकते हैं. लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा, बच्चा अगर इन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन या अपने राइटिंग में यूज़ करे तो वो इसको और लंबे समय तक या लाइफ टाइम के लिए अपने साथ भी रख सकता है इन वर्ड्स को, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? तो आज का जो पहला रूट वर्ड है हमारा, फर्स्ट रूट वर्ड है, वो है ई यू. इसको मैं यू प्रोनाउंस करूँगा. ई यू का मतलब क्या है, ई यू का मतलब है गुड या वेल, ठीक है? ये अच्छे से रिलेटेड है, गुड या वेल. इसका मतलब ई यू से बनने वाले जितने भी वर्ड्स मैं बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं अच्छे से रिलेटेड होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ तो आपके एग्ज़ाम्स में आए बेटा डायरेक्टली. पहला जो वर्ड है, मैं पहला जो वर्ड आपको दे रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस रूट वर्ड ई यू, दैट इज़ यूफोरिया. यूफोरिया, ठीक है? यूफोरिया में कहीं ना कहीं ई यू आया है ना, तो यूफोरिया बेटा कोई ना कहीं ना कहीं अच्छे से रिलेटेड होगा. तो यूफोरिया का मतलब होता है ग्रेट जॉय, ग्रेट जॉय, या इमेंस प्लेजर, या इमेंस हैप्पीनेस, ठीक है? इमेंस, इमेंस प्लेजर, ओके. बहुत ही अच्छा वर्ड है, लेकिन आपने इस वर्ड के डिग्री को पहचानना है. साथ साथ डिग्री को पहचानने का मतलब है कि कहाँ पर आप यूज़ करोगे. सपोज़ अगर आपको कोई खुशी मिली है, छोटी मोटी खुशी है, तो उसके लिए वहाँ पर आप यूफोरिया यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, अगर आपने आरएमसी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप ऑफिसर बन गए हो, तो हाँ ठीक है, यू विल बी इन यूफोरिया, ग्रेट जॉय, इमेंस प्लेजर. अच्छा, इसका एक सिनोनिम भी है, ठीक है? इसका एक सिनोनिम भी है और वो है एक्सटेसी. ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, एक्सटेसी, ठीक है? ये इसका सिनोनिम है, याद रखना है. इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है ग्रेट जॉय या इमेंस प्लेजर, ओके? बहुत अच्छा वर्ड है यूफोरिया, ओके. दूसरे वर्ड पे आते हैं. द सेकेंड वर्ड इज यूथनेशिया. ये भी अच्छा वर्ड है, यूथनेशिया, ओके. यूथनेशिया में भी यू विल फाइंड, इसमें भी ई यू है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अच्छे से रिलेटेड है. तो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, किसी को अच्छाई के लिए मारना. अब आप बोलोगे सर कैसे अच्छाई के लिए कैसे मानना, तो बेटा अगर कोई इंसान किसी बीमारी से जूझ रहा है और वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इस केस में, ऐसे केस में रोज़ दवाइयों के ऊपर जो डिपेंडेंट है,
ऐसे केस पे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं, ऐसे केस में उस इंडिविजुअल को यूथनेशिया दिया जा सकता है या उसको एक आसान मौत दी जा सकती है, ठीक है, ताकि जो उसकी सफरिंग्स हैं या जिस दर्द से वो गुजर रहा है उससे उसको मोक्ष मिल जाए, ठीक है। तो यूथनेशिया का मतलब होता है किसी को अच्छाई के लिए मारना। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लीगल है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये लीगल है, ठीक है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी इंसान को कोई इंसान अगर पैरालाइज्ड हो जाता है या कोमा में चले जाता है तो उस केस में उस इंसान को एक इजी डेथ दी जा सकती है, ठीक है, अगर उसकी जो बीमारी है वो क्यूरेबल ना हो। ओके, मर्सी किलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर सी, जो थर्ड वर्ड है हमारा, दैट इज़ योलोजाइज। योलोजाइज, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं ई यू है, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वर्ड होगा। योलोजाइज का मतलब क्या होता है बेटा? योलोजाइज मतलब होता है टू प्रेज अलॉट, किसी की तह दिल से तारीफ करना, ठीक है, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। योलोजाइज का मतलब है किसी की तारीफ करना, किसी की किसी को दिल से प्रेज करना, ठीक है, योलोजाइज अच्छा वर्ड है। अच्छा, योलोजाइज में यहाँ पर कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी मैं रिलेट करना चाहूँगा, वो इस रूट वर्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं प्रेज से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक तो होता है फ्लैटर करना, किसी को फ्लैटर करना क्या होता है, FLATTER, फ्लैटर मतलब क्या होता है, किसी को मक्खन लगाना, ठीक है, किसी की गलत तारीफ करना अपना मतलब निकालने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स प्रेज। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये प्रेज से रिलेटेड है, फॉल्स प्रेज। अच्छा, एक और वर्ड होता है बोस्ट ऑफ, ठीक है, बोस्ट, BOAST, और इसके साथ हमेशा ऑफ आता है, इसका आपने ध्यान रखना है। बोस्ट ऑफ का मतलब क्या है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेल्फ प्रेज, ठीक है, सेल्फ प्रेज मतलब जो अपनी तारीफ खुद करे, हाँ, उसको हम लोग बोस्ट ऑफ बोलते हैं। तो जो अपनी तारीफ खुद करता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस आता है उसकी तरफ से भी, तो बोस्ट ऑफ इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। तो यूलोजाइज से हमने दो और वर्ड्स देखे, यूलोजाइज तो एक पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि इसका रूट वर्ड ई यू है जिसका मतलब गुड या वेल होता है, सो यूलोजाइज का मतलब तो होता है टू प्रेज अ लॉट, लेकिन फ्लैटर और बोस्ट ऑफ इसके थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डी में आते हैं हम लोग, ठीक है, अगला है यूफेमिज्म। एक वर्ड है यूफेमिज्म, ये भी अच्छा वर्ड है। यूफेमिज्म का मतलब होता है बेटा, अगेन पॉजिटिव वर्ड है, यूफेमिज्म का मतलब होता है, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सपोज अगर आपका कोई ज़रूरी काम है, आप घर पे हैं और दूसरे दिन आपका एग्ज़ाम है और घर पे कोई नहीं है, सोचिए, और अगर कोई गेस्ट आता है घर पे और आपको एंटरटेन करना पड़ता है उस गेस्ट को, क्योंकि आपको पता है घर पे तो कोई है नहीं, ना मम्मी है ना पापा है, और कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गया, तो आप क्या करते हैं उस केस में, अब आपको एंटरटेन तो करना है, चाय पिलानी है, तो उस केस में क्या करते हैं आप, अब आपको अंदर से तो गुस्सा आता है लेकिन मुंह पे एक बड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन दिखाते हैं आप ना, मुंह पे आप हंस के बात करते हैं भले अंदर से गालियाँ निकल रही हों आप लोगों की, ठीक है, उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं, टू शो अ माइल्ड एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ अ हार्श वन, ठीक है। तो मैं फेस से तो बड़ा अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ हंस हंस के, लेकिन अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म का मतलब क्या है, टू शो माइल्ड एक्सप्रेशंस, टू शो माइल्ड एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ अ हार्श वन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ हार्श वन। ओके, अच्छा वर्ड है। एक लास्ट वर्ड और करते हैं हम लोग आज का बेटा, एंड द लास्ट वर्ड इज यूफोनी। यूफोनी भी अच्छा वर्ड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूफोनी, बहुत इजी है। फोनी का मतलब क्या होता है, फोनी मीन्स साउंड, ठीक है, फोनी मतलब तो होता है साउंड, और यू मतलब अच्छा, यूफोनी मतलब क्या होगा, अ प्लेजेंट साउंड, ठीक है। जैसे मैं कभी कभी पहाड़ों में घूमने जाता हूँ तो मुझे चिड़ियों की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो वो मेरे लिए यूफोनी है, वो मेरे लिए एक प्लेजेंट साउंड है, ठीक है। तो आज हमने बेटा 5 वर्ड सीखे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और है, जो भी ये 5 वर्ड्स हैं बेटा, इनके पीछे की ग्रामर आपको देखनी है, ठीक है। जैसे यूफोरिया है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नहीं तो आप इसका प्रॉपर यूसेज नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो उसके पीछे की ग्रामर देखना आपका काम है। मैंने आपको 5 वर्ड्स दिए हैं, उसका एक तरीका भी बताया, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं RPS टेक्निक के थ्रू, लेकिन यहाँ पर आपका काम कंप्लीट नहीं होता। आपने डिक्शनरी में ये भी देखना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ताकि आप इसका प्रॉपर यूसेज सीख सकें,
इससे सेंटेंसेस अच्छे से फ्रेम कर सकें और कहीं ना कहीं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इन सारे वर्ड्स को ला सकें। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। ठीक है बेटा, वोकैबलरी पे ध्यान दीजिएगा, वोकैबलरी ही आपकी इंग्लिश को और इन्हेंस करती है। बेटा हमने एक मोटिवेशनल सीरीज़ स्टार्ट करी है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।